हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है हमारे सीट चैनल में। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज जो है कॉलरा का फर्स्ट डे है, मतलब कि कॉलरा का फर्स्ट पार्ट है जो आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूँ, और आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा कॉलरा से कि कॉलरा क्या है, क्या मेनू है, किधर कलर बार है, क्या है। तो टूल्स के बारे में आपको बताऊंगा और कुछ एक दो टूल्स के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेस्कटॉप पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोलरा X6 वर्जन है। यहाँ इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, तो ओपन हो रहा है ये। तो इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ क्योंकि साइन इन करने के लिए बोल रहा है, कैंसल। देखिए तो यहाँ पर इस तरह से कोलरा X6 से ओपन हो गया। इसको मैं कट करता हूँ, और सबसे पहले यदि कोई भी डॉक्यूमेंट आप ओपन करें कोलरा में या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो सबसे पहला ऑप्शन होता है ओपन या फिर न्यू पेज, क्योंकि उसी टाइम हमें डिसाइड करना होता है कि जो वास्तविक हम काम करने, जो आगे हम चल के काम करने वाले हैं, वो किस साइज पे काम करने वाले हैं, जो हम अगले को प्रिंट आउट देना चाहते हैं, अपने कस्टमर को प्रोवाइड कराना चाहते हैं, उसको वास्तविक साइज क्या है। तब यहाँ पर हम जब टाइप करेंगे Ctrl+N, जब Ctrl+N का कमांड देंगे तो कोड राम में थोड़ा सा डिफरेंट आपको ऑप्शन आएगा जो पिछले सॉफ्टवेयर में आप जाने थे उसके अनुसार। तो यहाँ पर देखिए कि आप अपने डॉक्यूमेंट का नेम टाइप कर सकते हैं। तो मैं अपना यहाँ पर CSC या फिर CTAG कुछ भी, या फिर रहने दीजिए, नाम नहीं टाइप कीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाय डिफॉल्ट रहेगा। इसके बाद में देखिए यहाँ पर आता है कोरल वेब RGB कलर डिफॉल्ट। तो मैं यहाँ पर करता हूँ डिफॉल्ट नहीं रखता हूँ, मैं यहाँ पर RGB कलर करता हूँ, क्योंकि RGB कलर में जो डॉक्यूमेंट बनता है वो देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, और ये ज़्यादातर TV वेबसाइट वगैरह पे एसओ कराया जाता है RGB कलर, जो कि 3 कलर मिलकर कलर इनका होता है। या फिर यहाँ पर डिफॉल्ट भी कर सकते हैं, तो डिफॉल्ट भी रहने दीजिए, वो आपके ऊपर मर्जी है। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा आपकी डिजाइनिंग में, बस प्रिंटिंग में थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। उसके बाद आता है अपना साइज। तो फ्रेंड्स साइज सबसे मायने रखता है साइज। तो देखिए साइज में यहाँ पर कितने कैटेगरी के क्या कुछ इस पर डिजाइन किया जाता है, कुछ डिफॉल्ट ऐसे चीजें हैं, कुछ साइज है जो इस पर पहले से दिया हुआ है। तो लेटर, लीगल लेटर, वो, और यहाँ पर देखिए बिजनेस कार्ड, बोर्ड सीट, उसके बाद में आपको आएगा फोटो कार्ड, स्टेटमेंट, फुल स्क्रीन, वेब पेज, और साथ में नीचे आ जाइए तो आपको कई तरह के साइज मिलेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि आपको कोई एक बिजनेस कार्ड, जैसे कि आईडी कार्ड हो गया, स्कूल कार्ड हो गया, कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, आई कार्ड डिजाइन करना है, तो आप बिजनेस कार्ड सेलेक्ट कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली आपके नीचे वेथ और हाइट में दोनों को दोनों साइज आएगा, जैसे 3.5 इंच एंड 2.0 इंच, तो ये इंच में है। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन मिलता है, दोनों ऑप्शन में क्या है, एक है पोर्ट्रेट और दूसरा है लैंडस्केप, कि आप उसको लंबाई में रखना चाहते हैं कि उसे चौड़ाई में रखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर लॉन्ग कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। नंबर ऑफ पेज, आप कितना पेज क्रिएट करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स एक टाइम में एक ही पेज डिजाइन किया जा सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पर एक पेज क्रिएट कर लेते हैं यहाँ, ठीक है, क्योंकि इसको इसका बाद में भी ऑप्शन मिल जाता है, आप सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव पेज डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद में आता है प्राइमरी कलर मूड, तो आप CMYK के RGB कलर। तो मैं यहाँ पर, यदि आपको सिर्फ प्रिंटर से, अपने प्रिंटर से प्रिंट करना है, बाहर नहीं प्रिंट करवाना, सिर्फ अपने प्रिंटर से प्रिंट करना है, डिसाइड कर लें कि नहीं मुझे सिर्फ अपने प्रिंटर से ही प्रिंट करना है, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर CMYK कलर ही सिलेक्ट करें, क्योंकि जो कलर आप डिस्प्ले पे देखिएगा वही कलर आपके प्रिंटर से प्रिंट होगा। यदि RGB कलर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको डिस्प्ले पे दिखाने वाला कलर आपके प्रिंटर से कलर जो प्रिंट होगा उसमें थोड़ा सा फर्क हो जाएगा, क्यों ना आपका जो LED हो, LCD हो, मोनिटर जो है उसका कलर नेचुरल है, ब्रांडेड है, बिल्कुल सेम टू सेम, आपको कहते हैं कि बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है। तो आप यहाँ पर CMYK कलर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब आता है रेजुलेशन। तो रेजुलेशन हर डॉक्यूमेंट पे डिपेंड करता है कि आप कितना रेजुलेशन में, यदि आप बहुत कोई बड़ा बैनर बना रहे हैं तो आपको उसको 600 800 DPI दे दीजिए, यदि आप कोई छोटा कार्ड वगैरह बना रहे हैं तो इसके लिए 200 DPI या फिर 300 DPI सही है। वैसे तो हर एक काम के लिए अपना जो 300 DPI होता है वो सही होता है, तो यहाँ पर हम रखते हैं 300 DPI। उसके बाद में यहाँ से करते हैं ओके। तो देखिए इस तरह का डॉक्यूमेंट का जो शीट था 3 और 2
टू का, 3.52 का, यदि हम इसको घुमाना है तो बाद में भी यहाँ से घुमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन चलिए और यहाँ पे हो गया ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहला ओपन था जो हमने बता दिया आपको। इसके बाद में देखिए ऊपर मेनू है, जहाँ पर मेनू के मेनू सारा कुछ शो करता है। उसके नीचे आपका आता है यहाँ पर ओपन फाइल करने के लिए कट, यहाँ पर राइट क्लिक कीजिएगा तो आपका आ जाएगा स्टैंडर्ड बार, जो कि स्टैंडर्ड बार था वो। और ये जो नीचे जो बिजनेस कार्ड जो आप किए हैं, आप वहाँ दोबारा से इसको आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। जैसे आपको बिजनेस कार्ड नहीं लेना है, कुछ और लेना, तो यहाँ से आप क्लिक करके आप इसे फोटो कार्ड कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि लेटर या लीगल चाहिए तो लेटर में हम कन्वर्ट कर लिए। तो देखिए लेटर साइज हो गया। यहाँ से इसका जूम एरिया है 2 फीट वाइथ, हाइट 100%, कितना क्या रखना है आप यहाँ से रख सकते हैं 2 पेज, या फिर जो माउस आपका माउस है उसमें जो स्क्रॉलर होता है उसको आप घुमाइएगा अप डाउन कीजिएगा तो भी इस तरह से जूम छोटा बड़ा हो जाता है। तो साथ में यहाँ पर आता है प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी एक तरह से प्रॉपर्टी बार कह लीजिए, प्रॉपर्टी है। तो फिलहाल प्रॉपर्टी किसका शो कर रहा है, तो अपने पास जो न्यू पेज है तो न्यू पेज का यहाँ पे प्रॉपर्टी शो कर रहा है। जैसे 8:11 का, मतलब 8.5:11 का आपको लैंडस्केप चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए उसके बाद में आपको इंच में, पिक्सल में, मिलीमीटर सेंटीमीटर किस में रखना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है। सारा कुछ आपको यहाँ पर शो करता है। अब यहाँ पर आपके डिस्प्ले के जस्ट राइट साइड में यहाँ पर कलर सेक्शन है, तो आप यहाँ पर नीचे एरो पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से कलर, यहाँ पर आपको कलर मिक्स करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, लेकिन आप बिल्कुल कुछ ऐसे कलर हैं जो कि ज़्यादातर डिजाइन में, बैनर्स में यूज किए जाते हैं, तो आपको बार बार जैसे बाकियों में आप सिलेक्ट करते रहते हैं इधर से उधर, इसमें आपको ढेर सारे कलर ऑटोमेटिक मिक्स करके दिया हुआ है, बस आपको उसको क्लिक करना है और वो सिलेक्ट हो जाएगा कलर। तो कलर यहाँ से अच्छा ऑप्शन है कलर सेलेक्ट करने के लिए। और देखिए आपको बताया था कि आप पेज अपने हिसाब से नीचे से क्रिएट कर सकते हैं, तो आप यहाँ से भी पेज अपने हिसाब से बना सकते हैं, जितना आपको पेज बनाना है बना सकते हैं। तो मैं फर्स्ट पेज पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद में आप देखिए स्टेटस बार हो गया, ऐसे बता दिया मैं आपको, नीचे स्टेटस बार हो गया, प्रॉपर्टी बार। तो यहाँ पर मैं एक यहाँ से क्लिक करके एक ऑब्जेक्ट या कोई रिटेंगल ड्रा करता हूँ, सिर्फ ये बताने के लिए कि इस टूल का वैल्यू क्या है। तो फ्रेंड देखिए, तो यहाँ पर जब आप क्लिक कीजिएगा पिकर टूल पे, तो पिकर टूल सबसे फर्स्ट टूल आता है। और बकायदा मैं सीरियल से आपको धीरे धीरे करके हर एक टूल्स के बारे में बताऊंगा कि टूल्स का क्या फ़ायदा है। तो पिकर टूल जो है, तो इसको हम क्लिक करके उसको किसी ऑब्जेक्ट को उठाकर इधर से उधर करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, ये सब काम के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए जैसे पिकर टूल सिलेक्ट कर लिया मैं, अब इसको उठा लिया मैं, अब यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल सी कॉपी और वी ढेर सारा पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और सबको मैं अलग अलग देखिए यहाँ पर रख लेता हूँ कंट्रोल सी वी से। मैं इतना ऑब्जेक्ट को कॉपी पेस्ट कर लिया, तो इस देखिए जिसको हमें सेलेक्ट करना है, हम इसको क्लिक करके उसको सेलेक्ट क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए सेलेक्ट हो गया, तो हमें सिलेक्शन एक तरह से किसी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए हमें बताता है कि हम इस टूल्स की मदद से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपने पिछले सॉफ्टवेयर में किया था, यदि आप हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे तो सेम टू सेम ये सेलेक्ट करता है। जैसे मतलब जिसका टारगेट मुझे कि मुझे इस चीज़ को उठाना है, तो हम उस पर क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में आता है कि कोई मल्टी डॉक्यूमेंट, जैसे कि मल्टी ऑब्जेक्ट या फिर मतलब बहुत सारे टेक्स्ट वगैरह लिखे हुए हैं, बहुत सारे ड्राइंग डिजाइन बनाए हुए हैं, तो मुझे उस एरिया का कुछ अलग, मतलब कि अपने हिसाब से एक ही बार में सेलेक्ट करने हैं, सारे सेलेक्ट नहीं करने हैं, और मैं चाहता हूँ कि एक साथ में फटाफट हो जाए, तो उसके लिए इसी टूल्स में जब यहाँ पे ब्लैक कलर का जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, तो आपके साथ में और टूल्स के अंदर टूल्स 2-4 6 मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे देखिए फ्री हैंड पिक टूल, फ्री हैंड पिक टूल है, तो फ्री हैंड जो आप पिक क्लिक कीजिएगा तो इससे क्या होगा कि मान लीजिए कि पूरा के पूरा 12 ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, शेप है 12, तो यहाँ पर हमने क्लिक किया, हमें बीच में से कुछ ऐसे सेलेक्ट करना है जो दूसरे को सेलेक्ट नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे क्लिक करना स्टार्ट किया, हम लाइन ड्रा कर रहे हैं, और यहाँ से मैं इधर ले गया तो मैं इधर सेलेक्ट किया, अब मुझे इसको भी सेलेक्ट करना है, अब इससे भी सेलेक्ट करना है, और उसके बाद में इसको मैं छोड़ देता हूँ, और इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ।
अब देखिए तीन सिलेक्ट हुआ बाकी नहीं, क्योंकि मैं उल्टा ले गया यहाँ से, तो उसके गोल के दायरे में जितना भी आया वो सिलेक्ट कर लिया। तो ये एक तो तरह से फ्री हैंड टूल हो गया, मतलब ये भी सिलेक्ट ही करता है। वैसे हम चाहे तो जैसे चार को सिलेक्ट करना है तो हम शिफ्ट प्रेस कर लिए और जो जो मेरे को सिलेक्ट करना है मैं इसे क्लिक करूंगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं उठाऊंगा तो सिर्फ वही उठेगा। तो एक तो एक आप अपने पास ऑप्शन है कि इस तरह से कर सकते हैं, और दूसरा आपको जो मैं फ्री हैंड टूल बताया था इसी पे क्लिक कीजिएगा तो फ्री हैंड पे टूल मिलेगा। तो आपको जितना इस पे लाइन लगाना है आप उतना पे लाइन लगा लीजिए, वो सिलेक्ट हो जाएगा इस तरह से। तो जितना आप ध्यान से लाइन लगाइए, तो ये उतना कोई टूल्स था इसलिए मैं बताया, लेकिन ये उतना यूज नहीं होता और इसको लोग यूज करते भी नहीं है, क्योंकि कौन लाइन लगाते फिर बैठ के। इससे अच्छा है नहीं है शिफ्ट बटन प्रेस करके रखें और फटाफट जो हमें क्लिक करना है कर लिए, उसके बाद उठा लिए, बिल्कुल सही सही हो भी जाता है। तो आपको यहाँ पर जो टूल्स है इस पे आप है, लेकिन इस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, आपको सिर्फ पिक टूल पे ध्यान दीजिए। और आपको जो अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्रेस करके रखिए और क्लिक करते जाइए, जो जो सिलेक्ट हो जाएगा ऐसे बाद में वही उठेगा, दूसरा नहीं उठेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा कॉपी पेस्ट का। जैसे कि आप यहाँ इसको क्लिक कर लिए पिक टूल को, और इसको सिलेक्ट भी इस तरह से क्लिक करके खींचिएगा तो एरिया पूरा इतना सिलेक्ट हो जाएगा जितना हमें सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक डॉक्यूमेंट से आप कॉपी पेस्ट कर बताता हूँ। तो देखिए इस सबको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और एक स्टेप यहाँ से ले लिया और इस पर बताया मैं। तो यहाँ पर देखिए अब इस पर क्लिक करता हूँ सेंटर में, मैं सेंटर पे क्लिक किया तो देखिए इधर से कॉर्नर बना रोटेट टाइप का, जो कि एक मतलब रोटेट घुमाने के लिए टाइप का बन रहा है देखिए यहाँ पे। तो यहाँ से आप क्लिक करके जब ऐसे घुमाइएगा, क्लिक करके दबा के रखिएगा, नीचे खींचिएगा, तो इस तरह का आपका शेप बनेगा। आप क्या कीजिए कि आपके माउस बटन आप दबा के रखें इस टाइम, कौन सा, तो अपने लेफ्ट का माउस के लेफ्ट, जो आपके हाथ के लेफ्ट है, जो कि अंगूठे के बगल वाला बटन से आप दबा के रखे हैं तो उसको क्लिक करके रखे हैं, तो उसको छोड़ना है और जस्ट दूसरे साइड वाला बटन, राइट साइड वाला बटन तुरंत दबाना है। तो तुरंत तो देखिए क्या होगा, एक कॉपी हो जाएगा और उसके बाद में कुछ भी मत करिए, वैसे वैसे छोड़िए और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस डी दबाइए, कंट्रोल दबाकर डी दबाइए, और यहाँ पर आपके ओके आ गया। पहली बार यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो गया, क्लिक करके देखिए यहाँ पर हल्का सा भी आप गलती कीजिएगा तो नहीं होगा, सेलेक्ट किया से क्लिक किए और कंट्रोल डी दबा दिए, तो देखिए अब ये किस तरह से बनने लगा। पहले बार नहीं बना क्योंकि आपके बताने में यार फर्स्ट टाइम में कॉपी पेस्ट में थोड़ा सा रुक गया था, तो मेरे कॉपी में सही नहीं हुआ इसलिए अधिक किया। तो इस तरह से आप इसमें डिजाइनिंग, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर चाहे तो इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट करके भी आप यहाँ से कलर फिल कर सकते हैं। देखिए तो ये पूरा में फिल हो जाता है, तो इसके और भी ऑप्शन है कि बस इसके लाइनिंग भी फिल हो, तो ये सब मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन इसमें सिर्फ इतना ही बताया था कि आप किसी तरह से कोई बना सकते हैं। इसके बाद में देखिए सिलेक्ट है, अब इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और एक क्लिक है। अब यहाँ पर इसको मैं पतला थोड़ा कर लूँ इस तरह से, और मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस डी करता हूँ, तो देखिए इस तरह से आप बना सकते हैं। देखिए कंट्रोल डी कीजिए, कॉपी होता जाएगा, तो आप उसी लाइन में जैसे कि वो टेढ़ा था पहले, तो टेढ़ा में वो गोल बन गया और सीधा है, तो इस तरह से सीधा बनता जा रहा है। तो इस तरह से आप इसको कलर फिर से आपको जो हिसाब से कलर है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, आपको जो पसंद कलर लगता है उस कलर में आप कर सकते हैं। तो इस तरह से भी ये वर्क करता है। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में आपको बताऊंगा इन टूलों के बारे में, इसमें आपको जितना भी हो सकेगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा भी वीडियो बन जाएगा तो 10 करीब यहाँ पर 15 मिनट का वीडियो ऑलरेडी बन गया है। तो यहाँ पर जैसे कि आपका टूल्स है, शेप टूल है, स्मूथ ब्रश टूल है, ये सारे जो टूल्स आपके शो हो रहे थे, सब टूल्स के बारे में आपको एक एक करके बताऊंगा कि टूल्स आप क्या क्या कर सकते हैं, इसके क्या फायदे हैं, कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने बताया आपको कि पहले तो आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाया कि यहाँ पर कौन सा कलर बार है, कहाँ से मेनू है, सब स्टेटस बार क्या है। और फ्रेंड्स थोड़ा सा एक चीज़ रह गया था मुझे, तो मैं ये भी बता देता हूँ आपको कि देखिए यहाँ पर जब हम सिलेक्ट किए तो प्रॉपर्टी बार में आपको उस ऑब्जेक्ट जो उस टाइम सेलेक्ट कर रखेंगे उसी ऑब्जेक्ट का आपको भी प्रॉपर्टी भी शो करता है। तो मान लीजिए कि यहाँ से हमें कोई चीज़ चेंज करना है सेलेक्ट करके, तो आप यहाँ पर 2.5 करके एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा हमें रोटेट, ठीक है। उसके बाद में आता है साइज, तो ये तो अपना पूरा डॉक्यूमेंट का साइज था कि कितना पे रखना है। उसके बाद में यहाँ से कहते हैं 15 की जगह हम करते हैं 8, देखिए तो यहाँ से देखिए शॉर्ट हो गया, 8 की जगह पे यहाँ पे करते हैं 4 एंटर, देखिए इधर शॉर्ट हो गया। तो ये इसका साइज क्या है,
परसेंटेज साथ में दिया है, आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं जितना आपको रोटेट करना हो, जैसे कि 117 डिग्री है, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि 90 डिग्री कर दूँ, तो देखिए 90 डिग्री पे आ गया। यहाँ पे चाहता हूँ कि ये 10 डिग्री पे हो जाए तो 10 डिग्री पे हो गया, इस तरह से। उसके बाद में आप इसको उल्टा सीधा भी कर सकते हैं, लेफ्ट राइट घुमा सकते हैं, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में, ठीक है। इसके साथ में एक कॉर्नर का ऑप्शन आपको मिलता है, तो कॉर्नर से आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से जैसे बढ़ाइएगा, देखिए इस तरह करते जाइएगा, तो धीरे धीरे यहाँ पर देखिए जो कॉर्नर है, यहाँ पे कोना है, इस साइड में देता हूँ, एक कोना जो है यहाँ पर बढ़ाते जाइए, आपका ये डाउन होता जाएगा, देखिए बढ़ाते जाइए इसका जो साइज बढ़ाइए, तो ये कॉर्नर। उसके बाद में दूसरा स्टेप है, ये अंदर की ओर मुड़ेगा, ये साइड से किनारा स्टेप बनाएगा, गोल से बनाएगा, और ये सीधा बॉक्स की तरह कटिंग टाइप के बनाएगा, एंगल टाइप के बनाएगा ये, और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपको किधर का करना है किधर का नहीं करना है, ठीक है। और उसके साथ में आपको लॉक डॉक्यूमेंट नहीं, क्या है क्या नहीं, सारा कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है। उसके बाद में आपका आउटलाइनिंग, जो ब्लैक कलर शो कर रहा है, तो ब्लैक कलर में आउटलाइनिंग आप यहाँ से अपने हिसाब से देखिए 4-8 कितना रखना चाहते हैं आप, 24 रखिए तो देखिए आउटलाइनिंग बढ़ गया, तो ये है आपका आउटलाइनिंग। इसी तरह करके कॉलड्रा में बहुत सारे टूल्स है, छोटे छोटे करके इतना टूल्स है ना, लेकिन बहुत ही मज़ेदार सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर आप टैक्स से संबंधित, डिजाइन से संबंधित आपको बहुत ही आसानी तरीके से यार जैसा चाहो वैसा बना लो, बहुत आसान लगता है। मुझे तो कॉलड्रा बहुत पसंद है जी, मुझे कुछ भी लेटर हेड वगैरह बनाना था तो मैं 2 मिनट कॉलड्रा ओपन करता हूँ, फटाफट टाइप करता हूँ, जैसे जैसे अगला कस्टमर बोलता है वैसे एडजस्ट करता हूँ और उनको 2 मिनट में दे देता हूँ मैं। तो मुझे कॉलड्रा बहुत पसंद आता है, इसलिए मैं चाहा कि मैं आप लोगों को इसको बताऊं भी, और काफ़ी दिनों से मैं इसको यूज करता आ रहा हूं। फ्रेंड्स, आपको यदि उसमें कुछ कमी लगता हो या फिर आपको लगता है कि मैं आपको सही से नहीं बता पा रहा हूं, नहीं से समझा पा रहा हूं, यदि कुछ भी आपको लगता है मन में, कोई आपके मन में सवाल है कि हाँ ये चीज़ ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ बताइए आप, या फिर मेरा ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, कोई भी क्वालिटी में आपको कुछ फ़र्क लगता है कि हाँ ये चीज़ है, तो मैं उसको सुधारने की पूरा कोशिश करूंगा। क्योंकि पिछला वीडियो में जो ऑडियो था मेरा, उसमें थोड़ा खराबी था, वो मैं मानता हूँ, क्योंकि बाहर साइड में कोई मरम्मत का काम चल रहा था, इसलिए ठक ठक की आवाज़ ज़्यादा आया था, तो इसलिए उसका तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप जैसा बोलेंगे, जैसा क्वालिटी में बोलेंगे, वैसा क्वालिटी में मैं पूरा कोशिश करूँगा आपको देने का। और कोई भी आपको सवाल है तो बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि कमेंट है यहाँ पे फ्रेंड्स, कमेंट ना कोई डीवीडी ना कोई बुक है, आप यहाँ पर लाइव कमेंट कीजिए, तुरंत फटाफट टाइप कीजिए, मैं कोशिश पूरा करता हूँ कि आपको मेरे पास जैसे ही समय मिलता है जो आपको कमेंट सही सही रहेगा उसको मैं जवाब दूंगा। पर मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग, क्रैकिंग, पैच वगैरह के बारे में मैं कोई कमेंट का जवाब नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि ये गलत है, यूट्यूब उसको गलत मानता है, और वास्तविक गलत है, मानने से कुछ नहीं, यूट्यूब माने ना माने पर ये गलत है। डाउनलोड कहाँ से होता है, कैसे होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, परचेज करना है, प्रीपेड है क्या है, कैसे डाउनलोड करें, हमें सॉफ्टवेयर दें, इस तरह का कमेंट का जवाब मैं नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा, तो इसके लिए मुझे आप माफ़ कीजिए। लेकिन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।